श्रीकृष्णाय नमः। आषाढ़ के मास में व्रत उत्सव में श्री जगन्नाथ भगवान जी की रथ यात्रा का एक प्रमुख स्थान है, मुख्य स्थान रखते हैं यह व्रत, और बड़े ही प्रेम पूर्वक इसका बड़ा भारी महत्व है। विश्वकर्मा भगवान जी ने भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी की दार प्रतिमाएं बनाई थी लकड़ी की। महाराज इंद्रद्युम्न ने इन मूर्तियों को प्रतिष्ठित किया और गुंडीचा मंदिर को ब्रह्मलोक या जनकपुर भी कहते हैं। गुंडीचा मंदिर में यात्रा के समय जगन्नाथ जी विराजमान होते हैं। उस समय यहाँ जो महोत्सव होता है वो गुंडीचा महोत्सव कहलाता है। स्कंद पुराण में वर्णन आया है कि ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो पूर्णिमा आए, ज्येष्ठा नक्षत्र के एक अंश में चंद्रमा बृहस्पति हो, बृहस्पति का दिन हो, शुभ योग हो, ये महाज्येष्ठी पूर्णिमा कहलाती है। और ये पूर्णिमा महापुण्यमयी, भगवान की प्रीति को बढ़ाने वाली है। और इसमें करुणा सिंधु देवेश्वर जगन्नाथ जी के स्नान अभिषेक पूजन का दर्शन करके मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है। वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो पापनाशिनी तीज आती है उसमें रोहिणी नक्षत्र का योग होने पर पवित्र भाव से संकल्प करके एक आचार्य का वर्णन करना चाहिए। फिर एक या तीन बढ़ई से श्री कृष्ण बलभद्र सुभद्रा जी के तीन रथ तैयार करवाओ, जिनमें बैठने के लिए सुंदर आसन हो, सुंदर कलापूर्ण ढंग से बने हुए हों। रथों का निर्माण हो जाने पर शास्त्रों की विधि के अनुसार उनकी प्रतिष्ठा करें, मार्ग का बलिभांति संस्कार कराएं, मार्ग के दोनों ओर फूलों के गुच्छे, माला, सुंदर अलंकार, नाना प्रकार की बंधनवार आदि लगाएं। रास्ते की भूमि को बराबर कर देना चाहिए, कीचड़ आदि नहीं रहना चाहिए, जिससे भगवान का रथ सुखपूर्वक चल सके। एक एक कदम पर रास्ते के दोनों पार्श्वों की दिशाओं में सुगंधित करने वाले धूप पात्र रखे जाएं। सड़क पर चंदन के जल का छिड़काव हो, नगाड़ा ढोल आदि बाजे बजाए जाएं, सोने चांदी के ध्वज चित्रकारी की गई हो लगाए जाएं, उनके अंदर पताका फहराती रहे, भूमि पर वैजयंती माला बिछाई गई हो, और इस प्रकार श्रृंगार किया गया, कसे कसाए हाथी घोड़े प्रस्तुत किए जाएं जिनका श्रृंगार किया जाए। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पुष्य नक्षत्र से युक्त दूज तिथि आने पर सूर्योदय से पहले अरुणोदय होता है। सूर्य के भाई अरुण हैं, अरुणोदय के समय भगवान की पूजा करें। ब्राह्मणों, वैष्णवों, तपस्वियों, यतियों के साथ स्वयं भी हाथ जोड़ करके देवादिदेव भगवान श्री नारायण से यात्रा के लिए निवेदन करें कि हे प्रभु, आपने पूर्व काल में राजा इंद्रद्युम्न को जैसी आज्ञा दी है उसके अनुसार रथ से गुंडीचा मंडप के प्रति विजय आप यात्रा कीजिए। आपकी कृपा कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से दसों दिशाएं पवित्र हो जाए। हे नारायण, आप प्रसन्नता पूर्वक इसमें चरण रख के पधारो। इसके बाद मंगल गीत गाते हुए जितंते पुंडरी काक्षम, इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करते हुए नारायणाय मैं गोविंदा नमः, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, दोनों पार्श्वों में दंड से धीरे धीरे व्यंजनों की पंक्ति धीरे धीरे डुलती रहे। कृष्ण अगर की धूप दसों दिशाओं में सुवासित रहे। झांझ करताल वेणु वीणा माधुरिका गोविंद की विजय यात्रा किस्में मधुर स्वर से बजते रहें। उत्सव आरंभ होने पर श्री कृष्ण बलभद्र सुभद्रा जी को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोग धीरे 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 ले जाए। बीच बीच में रुईदार बिछौनों पर विश्राम कराएं। इस प्रकार सबको रथ पर ले जाएं। फिर उत्तम रथ को घुमा करके श्री कृष्ण बलभद्र सुभद्रा जी को सुशोभित मंडप से रथ में विराजमान करें। रुईदार गद्दों पर बिठा करके भक्ति पूर्वक भांति भांति के वस्त्र आभूषण
मालाओं से विभूषित करें और इस प्रकार उपचारों से उनकी पूजा करनी चाहिए। इस समय रथ पर विराजमान होकर यात्रा करते समय जगन्नाथ जी को जो लोग भक्ति पूर्वक उनके दर्शन करते हैं, भगवान के धाम में उनको जाना होता है, भगवान का धाम प्राप्त होता है। जिनके नाम का संकीर्तन करने से 100 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, जहाँ जाने से जहाँ नाना प्रकार के कीर्तन करने मात्र से 100 जन्मों का पाप नष्ट हो जाए, उन महावेदी की ओर जाते हुए पुरुषोत्तम श्री कृष्ण बलभद्र सुभद्रा जी का दर्शन करने से मनुष्य अपने करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर लेता है। मेघों के द्वारा जल की वर्षा के संयोग से रथ का मार्ग जब कीचड़ युक्त हो जाता है, उस समय भी वो कृष्ण की दिव्य दृष्टि पड़ने से समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। उस पंकिल रथ मार्ग में जो वैष्णव भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं, अनादिकाल से अपने ऊपर चढ़े हुए पाप पांक को त्याग कर मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य वासुदेव के जय के शब्द करते हैं, वो नाना प्रकार के वैकुंठ धाम को निवास करते हैं। और इस प्रकार जो मनुष्य इस प्रकार बलभद्र सुभद्रा जी को श्री कृष्ण उत्तम रथ पर विराजमान हो चारों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए अंगों का स्पर्श करने वाली वायु के द्वारा देहधारियों का पाप का नाश करते हुए यात्रा करते हैं, दयालु भक्तों के पालक हैं। अज्ञानी या विश्वासी हैं, मन में विश्वास उत्पन्न करने के लिए भगवान विष्णु प्रतिवर्ष यात्रा आरंभ करते हैं। इस प्रकार भगवान बिंदु तीर्थ के तट पर 7 दिन निवास करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में राजा इंद्र द्युम्न को वर दिया था कि मैं तुम्हारे तीर्थ के किनारे प्रतिवर्ष निवास करूंगा, मेरे वहाँ स्थित रहने पर सब तीर्थ उसमें निवास करेंगे। उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके जो लोग 7 दिनों तक गुंडीचा मंडप में विराजमान मेरा बलराम का सुभद्रा का दर्शन करेंगे, वो मेरा सायुज्य प्राप्त करेंगे। 7 दिनों तक मौन भाव से तीनों काल स्नान करें, तीनों संध्याओं में कलश पर भक्ति पूर्वक माँ भगवान की पूजा करें, गाय के घी तेल से दीपक जलाएं, भगवान के आगे रखकर रात दिन उनकी रक्षा करें, दिन में मौन रहें, रात्रि में जागरण करके भगवान की कीर्तन गाएं और 7 दिन बिताकर 8वें दिन प्रातःकाल उठकर प्रतिज्ञा करें। व्रतराज की पूरी जिस प्रकार पूरी की तरह पालन करके और इस प्रकार हे मेरे नारायण, हे मेरे गोविंद, हे मेरे वासुदेव, हे मेरे जनार्दन, आप इस प्रकार जिस प्रकार आपने पूरी की आप रक्षा करते हैं, इसी प्रकार हमारी रक्षा करना, रात दिन सेवा करते हुए काम धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। 7 दिनों तक वह रथ बलि भांति रक्षा करके 8वें दिन सब रथों को दक्षिणा विमुख कर दें और वस्त्रमाला पताका चमर आदि से पुनः सजावट करें। अषाढ़ शुक्ल नवमी को प्रातःकाल भगवत विग्रहों को रथ पर विराजमान करें। भगवान विष्णु की यह दक्षिणा विमुख यात्रा अत्यंत दुर्लभ है, भक्ति श्रद्धा से युक्त मनुष्यों को इस यात्रा में प्रयत्न पूर्वक भाग लेना चाहिए। यात्रा मंदिर प्रवेश ये दोनों मिलकर भगवान एक ही उत्सव माना गया। ये पूरी ये यात्रा पूरी ये यात्रा जो है मंदिर प्रवेश और भगवान एक ही ये उत्सव माना गया है। भक्ति श्रद्धा से युक्त इस यात्रा में प्रयत्न पूर्वक भाग लेना चाहिए। 9 दिनों की ये यात्रा होती है। जिन लोगों ने 3 अंगों वाली यात्रा की पूर्णता उपासना की है, उनके लिए ये महावेदी महोत्सव संपूर्ण फल देने वाला होता है। गुंडीचा मंडप से रथ में बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए श्री कृष्ण बलभद्र सुभद्रा जी का जो दर्शन करते हैं, मोक्ष के भागी होते हैं और भगवान के वैकुंठ धाम में जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए जगन्नाथ जी महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव हरे।